अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस आवर लास्ट टॉपिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी की प्रोडक्शन होती है और हमें वो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉडी के लिए। तो रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी की फॉर्मेशन होगी, रेस्पिरेशन के ही प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन्वॉल्व होगी। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है क्या, अ प्रोसेस बाय विच सेल्स ड्राइव एनर्जी विद अ कंट्रोल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन, द एंड प्रोडक्ट बीइंग वाटर। इसमें क्या होगा, सेल ड्राइव करेंगे एनर्जी को विच इज़ थ्रू कंट्रोल रिएक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन। ऑब्वियसली इसमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, इसके अलावा हाइड्रोजन आयन का रोल है और हमें जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो वाटर मिलेगा। एरोबिक ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू कैप्चर अ फार ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द अवेलेबल फ्री एनर्जी ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट देन एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स। तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि एनर्जी का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है और एनएरोबिक में इतनी ज़्यादा हमें नीड नहीं होती। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेस्पिरेशन इज टू प्रोड्यूस एटीपी। रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल को एनर्जी चाहिए, तो रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी की फॉर्मेशन होगी। एनर्जी इज़ रिलीज फ्रॉम ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ हो रही है, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, एंड देन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करवाएंगे एटीपी। इलेक्ट्रॉन्स आर शटल्ड बाय इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, फॉर एग्जांपल एनएडी पॉजिटिव टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, जो पीछे हमने साइकिल्स देखी थी, उन साइकिल्स के ड्यूरिंग दीज साइकिल्स भी क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन हो रही थी। अब वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए हैं, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू उनसे क्या होगा, एटीपी प्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो यहाँ पे भी यही होगा, एनएडीएच क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, ये इलेक्ट्रॉन को लाएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सीरीज ऑफ रिएक्शन क्या करवाएगा, इलेक्ट्रॉन से एटीपी की प्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू एटीपी इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जैसे कि मैंने अभी बात की कि जो हाइड्रोजिनेज एंजाइम पीछे इन्वॉल्व हुए थे सारी साइकिल्स में, सीटीए साइकिल में, टीसीए साइकिल में, और इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेसेस में, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, एनएडीएच, एफएडीएच और कुछ एटीपी के मॉलिक्यूल्स भी बन रहे थे। तो ये जो डिहाइड्रोजिनेज प्रोड्यूस करवा रहा था एनएडीएच और एफएडीएच टू को कैटाबोलिज्म के प्रोसेसेस में, विच आर ग्लाइकोलाइसिस एंड द सिट्रिक एसिड साइकिल। अब यहाँ से क्या होगा, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रॉन्स स्टोर्ड इन एनएडीएच एंड एफएडीएच टू, दे गेट ट्रांसफर टू ऑक्सीजन थ्रू आ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लोकेटेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की साइकिल कहाँ होगी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सिट्रिक एसिड साइकिल थी हमारे पास, ये यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू एनएडीएच प्रोड्यूस हो रहे थे, एफएडीएच टू प्रोड्यूस हो रहा था। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स कैरियर हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करके ईटीसी साइकिल में लेकर जाएंगे। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इट कंटेन्स टू मेम्ब्रेन्स, एन आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस एंड एन इम्परमिएबल इनर मेम्ब्रेन। ईटीसी कहाँ होगी, इनर मेम्ब्रेन में होगी। द इनर मेम्ब्रेन कंटेन्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र करवानी है हमें ऑक्सीजन में, और ये सब कहाँ हो रहा है, रेस्पिरेटरी कंपोनेंट्स के थ्रू इनर मेम्ब्रेन में। द इनर मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन ए टी पी साइंथेस एन एंजाइम डेट सेंथिसाइजेज ए टी पी। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो गई, अब इलेक्ट्रॉन से क्या बनाना है, एटीपी बनाना है। तो यहीं पे इनर मेम्ब्रेन में ही हमारे पास एंजाइम है एटीपी साइंथेस, जो कि एटीपी के प्रोडक्शन करवाएगा। दिस इज़ अगेन अ पिक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या दिखाया गया है कि सबसे पहले क्या होगा, रिड्यूस सब्सट्रेट एज अ फ्यूल डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। यहाँ से
ये जो स्ट्रक्चर है ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये पूरा जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, रेस्पिरेटरी चेन्स हैं ये। अब ये क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे और प्रोड्यूस करवाएंगे ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की नीड है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाएंगे एंड देन इससे क्या होगा, एटीपी साइंथेस, ये एंजाइम है हमारे पास एटीपी साइंथेस, यहाँ से क्या होगी एटीपी की प्रोडक्शन। सो सबसे पहले क्या होगा, रिड्यूस सब्सट्रेट फ्यूल डोनेट्स करेंगे इलेक्ट्रॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स पम्प्स, ये यहाँ पे पम्प्स भी इन्वॉल्व हैं, ये क्या करेंगे एच आयन को पम्प करेंगे एच आयन को आउट एज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टू ऑक्सीजन, एच आयन को आउटसाइड पम्प कर रहे हैं और इसके नतीजे में एक इलेक्ट्रॉन फ्लो जनरेट हो रहा है। देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टोर्ड एज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। एटीपी साइंथेस यूज इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल टू सेंथिसाइज एटीपी, अब यहाँ से क्या होगा, एक पोटेंशियल जनरेट हो गया, अब एटीपी साइंथेस इसी पोटेंशियल को यूज़ करते हुए, इसी एनर्जी को यूज़ करते हुए यानी पोटेंशियल को यूज़ करते हुए क्या बनाएगा, सेंथिसाइज करेगा एटीपी। इलेक्ट्रॉन कैरियर पंप जो है वो आउटसाइड मूव करवा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को और फिर यानी कि हाइड्रोजन आयन को, और फिर क्या हो रहा है, ये एटीपी साइंथेस इन्हें इनसाइड लाके एटीपी की साइंथेसिस करवा रहा है। वी हैव सम कैरियर्स फॉर इलेक्ट्रॉन, सो दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन द रेस्पिरेटरी चेन, नंबर वन इज NADH, सेकेंड इज फ्लेवो प्रोटीन्स, यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम्स एंड आयरन सल्फर प्रोटीन्स। NADH क्या है, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लोटाइड विच इज़ सोलेबल मॉलिक्यूल यूज बाय डीहाइड्रोजिनेस। फ्लेवो प्रोटीन्स कंटेन FAD और FMN विच कैन बी रिड्यूस टू FADH2 एंड FMNH2। यूबिक्विनोन ऑल्सो नोन एज कोएंजाइम Q, लिपिड सोल्यूबल है ये विद आइसोप्रिनोइड चेन। साइटोक्रोम प्रोटीन्स डेट कंटेन अ हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप। आयरन सल्फेट सल्फर प्रोटीन्स कोऑर्डिनेट अ नॉन हीम आयरन एटम्स। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है NADH, फ्लेवर प्रोटीन्स यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम, आयरन सल्फर प्रोटीन, यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे एंड देन उससे क्या होगी ATP की साइंथिसिस, ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर लाएंगे। दीज आर दी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। सो दिस इज़ दी चेन ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस लोकेटेड इन इनर मेम्ब्रेन। ये जो नंबर वन है ये है NADH डिहाइड्रोजिनेस, सेकेंड वन इज़ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, थर्ड वन इज़ यूबिक्विनोन, साइटोक्रोम, ऑक्सीडो रिडक्टेस एंड फोर्थ वन इज़ साइटोक्रोम ऑक्सीडेस। अब पूरी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की चेन है वो इन्हीं सारे एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस से क्या होगी, बिगिन होगी और यहीं से क्या होगी, पूरी कंप्लीट होके ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन एंड देन ATP साइंथेस एंजाइम के थ्रू, पंप के थ्रू ATP की साइंथेसिस होगी। अब इन एंजाइम्स के, इन कॉम्प्लेक्सेस के फंक्शन क्या हैं, कॉम्प्लेक्स वन विच इज़ NADH डिहाइड्रोजिनेस, ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स वन ट्रांसफर्स अ हाइड्राइड आयन यानी कि टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH टू यूबिक्विनोन एंड पम्प्स 4 इलेक्ट्रॉन्स अक्रॉस दी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कॉम्प्लेक्स वन के दो फंक्शन हैं, सबसे पहला काम तो ये ट्रांसफ़र करवा रहा है दो हाइड्रोजन आयन के मॉलिक्यूल को या दो इलेक्ट्रॉन्स को किसकी तरफ, यूबिक्विनोन की तरफ, यूबिक्विनोन के पास ट्रांसफ़र करवा रहा है। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये 4 प्रोटॉन्स को क्या कर रहा है, पंप आउट करवा रहा है अक्रॉस दी इनर मेम्ब्रेन। कॉम्प्लेक्स 2 विच इज़ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ये ट्रांसफ़र करवाएगा, ये भी क्या करवाएगा, दो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करवाएगा फ्रॉम FADH टू
यूबिक्विनोन, ये भी क्या कर देगा, यूबिक्विनोन की तरफ ट्रांसफ़र करवाएगा, देन यूबिक्विनोन आगे इनको ट्रांसफ़र करवाता जा रहा है। देन कॉम्प्लेक्स थ्री साइटोक्रोम बी सी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं कॉम्प्लेक्स थ्री को, या इसको हम साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज भी कहते हैं। ये भी क्या करवाएगा, ट्रांसफ़र करवा रहा है हाइड्राइड आयन को या टू इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम यूबिक्विनोन टू कॉम्प्लेक्स फाइव। यहाँ पे भी यूबिक्विनोन हमारे पास एज अ ट्रांसपोर्टर है, यूबिक्विनोन अब यहाँ से ट्रांसफ़र करवाएगा कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स फोर की तरफ। देन इन कॉम्प्लेक्स फोर विच इज़ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, यहाँ से अब हमारे पास फाइनल स्टेप होगा, वाटर मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन होगी, और यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम सी टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और वाटर मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स के या इलेक्ट्रॉन्स को सेल के थ्रू द मेम्ब्रेन पास आउट भी करवाया जा रहा है आउटसाइड की तरफ, यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट कर रहे हैं, और यहाँ से ट्रांसफ़र भी हो रहा है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ, दो काम हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इनको पंप आउट भी किया जा रहा है और इनको ट्रांसफ़र भी किया जा रहा है। तो कॉम्प्लेक्स वन पे ये काम हो रहा है, कॉम्प्लेक्स थ्री पर, और कॉम्प्लेक्स फोर पर। द ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन्स जनरेट्स अ प्रोटॉन मोटिव फोर्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन। कॉम्प्लेक्स वन से फोर इलेक्ट्रॉन्स, फोर प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स थ्री से भी फोर प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र यानी आउटसाइड द मेम्ब्रेन भेजे जा रहे हैं। इनके नतीजे में क्या हो रहा है, एक मोटिव फोर्स जनरेट हो रही है, एंड कॉम्प्लेक्स फोर से दो प्रोटॉन्स आउटसाइड पंप किए जा रहे हैं। देयर दीज टेन हाइड्रोजन आयन इट वुड गो थ्रू द एटीपी साइंथेस टू प्रोड्यूस एटीपी। अब इन कॉम्प्लेक्सेस के बाद क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन के पास ट्रांसफ़र कर दिए गए, देन अब क्या होगा, एटीपेस के थ्रू, एटीपी साइंथेस के थ्रू एटीपी की प्रोडक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हाइड्रोजन आयन को ग्रेजुअली आउटसाइड दी साइटोसोल यानी इनर मेम्ब्रेन में पंप आउट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है, एच आयन ग्रेडियंट इज़ बीइंग बिल्ड अप, द मैट्रिक्स बिकम नेगेटिवली चार्ज, अंदर का जो मैट्रिक्स है उस पर अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और बाहर ये जो इनर मेम्ब्रेन है जहाँ पे हाइड्रोजन आयन पंप किए जा रहे हैं उन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इनर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि एच आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी पॉजिटिव आयन जिस तरफ ज़्यादा होंगे वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ओवरऑल, और जहाँ पे ये नहीं है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो वहाँ पे क्या आएगा, देन नेगेटिव चार्ज। सॉरी, हमने बात की इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की और एटीपी फॉर्मेशन की, इसके लिए एक थ्योरी है हमारे पास विच इज़ केमियोस्मोटिक थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या कहती है, दिस प्रोटॉन मोटिव फोर्स, जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो रही है इलेक्ट्रॉन के आउटसाइड द मेम्ब्रेन ट्रांसफ़र के नतीजे में, प्रोवाइड्स द एनर्जी नेसेसरी फॉर एंजाइम्स कॉल्ड एटीपी साइंथेस। इस मोटिव फोर्स की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है जो कि क्या करेगा, वो एटीपी के साइंथेसिस में मदद करेगा, वो एज अ वर्क करेगा एनर्जी के और साइंथेसिस करवाएगा एटीपी की। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, एटीपी साइंथेस को ये एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, और एटीपी साइंथेस क्या कर रहा है, कैटेलाइज द साइंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट। एडीपी के मॉलिक्यूल है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे, तो उनसे क्या बनवाएगा, एटीपी कौन बनवाएगा, एटीपी साइंथेस एंजाइम। सो दिस जनरेशन ऑफ एटीपी अकर्स एज द प्रोटोन एक्रॉस द मेम्ब्रेन, वही जो मैंने बात की कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन से एक्रॉस जब वो जा रहे हैं तो उनके नतीजे में फोर्स जनरेट हो रही है, तो यही जनरेशन करवाएंगी एटीपी की थ्रू एटीपी साइंथेस कॉम्प्लेक्सेस।
और ये किस तरह करवा रहे हैं, एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्सेस में ये जो प्रोटॉन्स हैं ये दोबारा री इंटर हो रहे थे, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, तो री इंटर द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ये प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, री इंटर हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में थ्रू एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्सेस, एंड देन एटीपी की फॉर्मेशन होगी। एज द प्रोटॉन मूव डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे पास जनरेट हो रहा था आउटसाइड द मेम्ब्रेन ज़्यादा, यानी एच आयन आउटसाइड द इनर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन में या मैट्रिक के आउटसाइड हम क्या कह रहे थे, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रही है क्योंकि वो पंप आउट किए जा रहे हैं ग्रेजुअली, और इनसाइड द मेम्ब्रेन हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये एक ग्रेडियंट जनरेट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एज ए प्रोटोन मूव डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आउटसाइड में, किसके आउटसाइड बोल रही हूँ, मैट्रिक के आउटसाइड यानी इनर मेम्ब्रेन में क्या है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है। अब ज़्यादा से ये किस तरफ मूव कर रहे हैं, इन साइड द मेम्ब्रेन दोबारा से मूव कर रहे हैं थ्रू एटीपी साइंथेस के थ्रू, तो द एनर्जी रिलीज कॉजेज द रोटर एफओ एंड फॉल्क ऑफ द एटीपी साइंथेस। अब ये जो एटीपी साइंथेस का कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है और उसके कुछ पार्ट्स हैं, तो उनमें से एक है रोटर विच इज़ एफओ और एक है स्टॉल्क। अब ये क्या करेंगे, एनर्जी को रिलीज़ करेंगे और एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज़ होने से क्या होगा, ये रोटेट करेंगे, जैसे कि एक मशीन वर्क करती है, रोटेशन होती है मशीन की, और उसकी वजह से जैसे अगर हम मोटर की बात करें, पानी की जो मोटर होती है वो भी किस तरह वर्क करती है, वो रोटेट होती है, तो वो फिर वाटर को खींचती है पाइप के थ्रू और हमें इस तरह वाटर मिलता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही प्रोसेस हो रहा है, जब हाइड्रोजन आयन हमारे पास प्रोटोन आ रहे हैं थ्रू दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये एफ वो रोटेट कर रहा है, इसके रोटेट करने से क्या हो रहा है, एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म हो रही है फ्रॉम दिस रोटेशन इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये किस में कन्वर्ट की जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में, एस फॉस्फेट इज़ एडिड टू एडीएच टू फॉर्म एटीपी, यहाँ पे जनरेट हुई मैकेनिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी में किसकी मदद से कन्वर्ट होगी, फॉस्फेट के मॉलिक्यूल के थ्रू, फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जब ऐड होगा एडीपी के साथ तो यहाँ पे ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड देन फॉर्म एटीपी इन दी कैटालाइटिक हेड F1 डोमेन। ये भी किसका पार्ट है, एटीपी साइंथेस का पार्ट है, F1 डोमेन में एटीपी की साइंथेसिस हो जाएगी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये एडीपी है हमारे पास, इसमें एनर्जी इन्वॉल्व है और एक फॉस्फेट, और इसकी मदद से क्या हो रहा है, एटीपी की साइंथेसिस हो रही है, इज़ अगेन इनसाइड द मैट्रिक्स। तो ये पूरा एटीपी साइंथेस का स्ट्रक्चर है, ये एफओ है विच इज़ रोटर, ट्रांसमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये, यानी मेम्ब्रेन के अंदर है, विच कंटेन्स अ प्रोटीन चैनल फॉर द फ्लो ऑफ प्रोटोन। इसके पास प्रोटीन चैनल भी हैं प्रोटीन के, प्रोटोन का ट्रांसफ़र करवाने के लिए, प्रोटोन का फ्लो करवाने के लिए। देन ये F1 सब यूनिट है हमारे पास, F1 सब यूनिट प्रोट्रूड कर रहा है इनटू द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तक आ रही है, एंड कैटलाइज द साइंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और यहाँ पे क्या होगी, फिर ATP की प्रोडक्शन होगी। ये जो यहाँ पे बी शो किया गया है, ये स्टॉल्क है हमारे पास जो कनेक्ट कर रही है एफओ सब यूनिट को F1 सब यूनिट से। तो एटीपी साइंथेसिस के तकरीबन हमने तीन पार्ट को डिस्कस किया, विच इज़ एफओ, स्टॉल्क एंड F1। तो एफओ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से रोटेट होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ड्राइविंग द प्रोडक्शन ऑफ ATP इन द F1 कॉम्प्लेक्स। एफओ से ATP के प्रोडक्शन के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो FO से कहाँ जाएगी, स्टॉल्क की तरफ मूव करेगी। अ पोर्शन ऑफ द F1 सब यूनिट टर्म द स्टॉल्क लिंक्स द टू सब यूनिट, ये मैंने अभी बात की कि स्टॉल्क क्या है, FO और F1 को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो जब ये रोटेट होगा FO तो आगे एनर्जी ट्रांसफ़र की जाएगी थ्रू स्टॉल्क टू द स्टेशनरी F1 सब यूनिट। ये तो रोटर है, ये तो रोटेट करेगा, लेकिन F1 क्या है हमारे पास, स्टेशनरी है। एज प्रोटोन फ्लो थ्रू द चैनल
इन दी एफ ओ सब यूनिट दे कॉज दी एम्बेडेड स्टॉल टू रोटेट, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते जा रहे हैं, रोटेटर के पास आए थे, रोटर के पास आए थे तो इसने रोटेट करके आगे ट्रांसफ़र कर दिया था प्रोटॉन्स को, प्रोटोन देन स्टॉल की तरफ आए, स्टॉल के बाद कहाँ आ गए, स्टेशनरी एफ वन सब यूनिट में, देयर बाय कन्वर्टिंग द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इंटू मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे ये जो प्रोटॉन्स आ रहे थे वो क्या थे, केमिकल थे, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे, एंड देन ये केमिकल एनर्जी एटीपी साइंथेस के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जा रही है। तो ये सारा फंक्शन हो रहा है, एफ ओ रोटेट कर रहा है, देन स्टॉल रोटेट कर रहा है, और यहाँ से एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है। तो अप्रोक्सीमेटली 4 प्रोटॉन्स मस्ट पास थ्रू दी एटीपी साइंथेस कॉम्प्लेक्स फॉर 1 एटीपी मॉलिक्यूल टू बी सेंथिसाइज। एक एटीपी का मॉलिक्यूल बनाने के लिए तकरीबन हमें 4 प्रोटॉन की नीड है। 4 प्रोटॉन जब इस पूरे एटीपी साइंथेस से पास होंगे तो लास्ट वाले पार्ट में यानी एफ वन में क्या हो जाएगा, एटीपी की साइंथिस। दिस इज केमियोसमोटिक मॉडल। ये माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन पे ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, 4 कॉम्प्लेक्सेस एंड एटीपी साइंथेस। तो इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू क्या हो रहा है, केमिकल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है इनसाइड अल्कलाइन, यानी इनसाइड ये जनरेट हो रहा है अल्कलाइन, हमें इन्वायरमेंट मिल रहा है विच इज़ एच आई एन पॉजिटिव। यहाँ पे पहले ये एच आई एन जनरेट हो रहे हैं, फिर यहाँ से क्या कहाँ जा रहे हैं, आउटसाइड ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, एंड देन दूसरे कॉम्प्लेक्सेस के पास ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है इनसाइड नेगेटिव। तो ये दोनों केमिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है, प्रोटॉन मोटिव फोर्सेस जनरेट कर रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है, एटीपी साइंथेसिस ड्राइवन बाय प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स से एटीपी साइंथेस हो रहे हैं। सो दिस इज़ अ क्लियर डायग्राम ऑफ एटीपी साइंथेस कॉम्प्लेक्स जो हमने पीछे भी देखा था। अब ये जो एफ ओ और एफ वन सब यूनिट्स हैं, इनके भी फर्दर पार्ट्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो ये जो रोटर के साथ एडजेसेंट, इसके साथ अटैच है, ये बी जो कि स्टॉल के। अब यहाँ पे गेमा है हमारे पास सेंटर में, एप्साइलोन है, अल्फा एंड बीटा है यहाँ पे सब यूनिट्स, एंड देन इन सब की मदद से क्या होगा, एटीपी के साइंथेसिस हो रही है। अच्छा, ईस्ट माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास 10 सी पार्ट्स होते हैं, जबकि ह्यूमंस में C8 से C15 तक होते हैं। ये पी साइड है, ये यानी कि इनर है, आउटसाइड है, टूवर्ड्स दी आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनसाइड दी इनर मेम्ब्रेन यानी कि मैट्रिक्स में है ये वाला पार्ट विच इज़ एन साइड। यहाँ ही मेंशन किया गया था मैट्रिक्स में एन साइड है, नेगेटिव साइड है हमारे पास, एंड इनर मेम्ब्रेन में पी साइड है, क्योंकि आउटसाइड क्या है, प्रोटोन ज़्यादा जा रहे हैं, तो बाहर की तरफ का क्या हमारे पास ग्रेडियंट जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव ग्रेडियंट, एंड इनसाइड नेगेटिव ग्रेडियंट। तो इन ओवरऑल प्रोसेसेस से, ग्लाइकोलिसिस से, पाइरूवेट ऑक्सीडेशन से, एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सीडेशन से, इन सिट्रिक एसिड साइकिल सबसे क्या हो रहा है, एटीपी की जनरेशन हो रही है। आफ्टर ऑल थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी एटीपी की साइंथेसिस हो रही है। तो ओवरऑल कितने एटीपीज हमें मिलेंगे, अराउंड 32 एटीपीज वी ऑब्टेन एट द एंड ऑफ दीज ऑल साइकल्स एंड इन द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दिस इज़ द एटीपी यील्ड फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज़।